सुनने में आया कि चांद रात को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, सहर ही खाओ शाम को इफ्तारी खाओ सारा कुछ भाई। मैं अब यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आप पकौड़ा को लेंगे और ये देखिए फास्ट फूड का ढेर लगा हुआ है, इतना फास्ट फूड मैं नहीं खा सकता, ये पकौड़ा समोसा तो मेरे साथ ही चिमड़े में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो हसबे अमूल आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। आगे अब जैसे जैसे रमज़ान कम हो रहा है, रमज़ान के रोज़े कम हो रहे हैं, तो वो फीलिंग थोड़ी चेंज हो रही है। ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, बाज़ारों में रश पड़ जाएगा, शॉपिंग कपड़े जूते ये सब कुछ, और बच्चों के साथ पूरी बाज़ारों की जो है वो रौन के बाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं है, ना ही कोई रौनक, ना ही कोई गहमा गहमी, ना ही कोई कपड़े शपड़े, पता नहीं किधर दुनिया, सब अपने आप में लगी हुई हैं। जब इनके त्यौहार होते हैं तो ये बड़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन पाकिस्तान का जो एक हमारा एक कल्चर है ना, वो यहाँ देखना पड़ेगा, शायद चांद रात को मिले। सुनने में आया कि चांद रात को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो अब रोज़े चढ़ रहे हैं, अब उसका भी वेट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आपके रोज़े तो बड़े अच्छे चल रहे होंगे, मेरे रोज़े हसबे अमूल वही तरीकाकार वही सिस्टम, अफ्तारियाँ। लेकिन ये है कि अब अफ्तारियों के साथ ना सहरियाँ भी शुरू हो गई हैं, सहरी खाओ शाम को अफ्तारी खाओ सारा कुछ भाई। घर से तो मेरी काफ़ी दिनों से ना जान छूटी हुई है, तो मैं वो एक आजकल मैंने दही का कटोरा रखा हुआ है, उसमें वो अपना बना के दही सही, और वो उसके अंदर वो कभी पराठा डाल दिया या पराठे के साथ खा ली, या खाली दूध खजूरें खा ली, मैं सिंपल खा रहा हूँ। क्योंकि बाहर से ना वो खाने वही जहाँ पे जाता हूँ पुर्तगालफ खाने होते हैं, तो वो आपको पता है कि वो इतनी वो नहीं रही थी बंदे के अंदर कैपेसिटी के और खाए। आज भी मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे दावत की है अफ्तारी के लिए, तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आएँ, आपको आज डिफरेंट टाइप की इफ्तारी कराते हैं, तो फिर मिलते हैं उसकी अफ्तारी के बाद। अस्सलाम वालेकुम, ये जी मैं रोज़ा खोलने आया हूँ, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो बड़ी प्रसिद्ध हुआ है कि जी आपने डॉक्टर साहब रोज़ा मेरे साथ खोलना है। तो मुझे बारिश में आना पड़ा, बहुत बारिश थी, मैंने सोचा था कि घर ही रोज़ा खोलूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अफ्तारी आपने मदद करनी है, ज़रूर आना है। मैंने फिर कहा चले एक दोस्त बड़े मोहब्बत के साथ बुलवा रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, जाना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आप रोज़ा खोलेंगे। चलो आज का रोज़ा जो है ना वो हमारा ये टेक्सास चिकन, ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, ब्रांड है यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हमारे रोज़ा पुर्तगालफ हो रहा है आज की इफ्तारी जनाब। ये यहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब नईम भाई ने जनाब अफ्तारी कराई है, तो कह रहे हैं जी आज आपको ना हम खिलाएंगे फास्ट फूड, और ये देखिए फास्ट फूड का ढेर लगा हुआ है, इतना फास्ट फूड मैं नहीं खा सकता, ये हमने मिल के खाएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं बड़े अच्छे, ये भी आज हमारे साथ रोज़ा खोलेंगे और मिल के हम अफ्तारी करेंगे। ये देखें ये पकौड़ा समोसा तो मेरे साथ ही चिमड़े हुए हैं, क्योंकि ये रमज़ान की जो है ना वो पहचान है, ये रोज़ा इसी से खोलना है। जी हम आए हैं टेक्सास पे, जो ना ब्रांड है टेक्सास इनके, यहाँ पे जो खाना खाया आज अफ्तारी की, बड़ा मज़ा। 244 ऑर्डर नंबर, या इट्स रेडी फॉर ऑर्डर। आ नो पाओ, आपको कुछ चीज़ खानी है तो ऑर्डर कर दें, मुझे मैं भेज देता हूँ पार्सल कर। चेक करें कुछ डॉक्टर चैनल नहीं।
नहीं जी, अब हमने कर ली इफ्तारी और मज़ेदार सी बारिश हो रही है और यहाँ पे इफ्तारी करके और हम यहाँ पे खड़े हैं इफ्तारी करने के बाद बाहर रोड पर और धीमी धीमी बारिश हो रही है। आज बारिश में इफ्तारी करवा दी मेरी भाईजान ने, तो इफ्तारी में जो है ना आपको पता फिर हम नाम ही नहीं कर सकते किसी को, लेकिन मोहब्बत के साथ इफ्तारी करेंगे। और ये मेरे साथ हैं बड़े अच्छे मेरे दोस्त नईम भाई, इनके साथ जनाब अपना इफ्तारी किया और अच्छा लगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज मैं आज इन्होंने मुझे टेक्सास का जो है ना वो चिकन खिलाया लेकिन लजीज, और बुज़ुर्ग जो है ना वो भी साथ हैं। KFC याद आ गया। KFC याद आ गया बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान वाला है, इधर वाला नहीं। तो ले जी आपने देखा कि कैसे मज़े मज़े की इफ्तारी हुई और वहाँ पर गए हम टेक्सास, एक यहाँ पर ब्रांड है जैसे हमारे उधर पाकिस्तान में भी हम KFC खाते हैं, मैकडोनल्ड खाते हैं, यहाँ पे KFC मैकडोनल्ड पे जाना थोड़ा सा वो लगता है कि पता नहीं अब वहाँ पे फूड उनका कैसा है क्योंकि फूड में प्रॉब्लम होती है वहाँ, यहाँ पे थोड़ी सी। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे टेक्सास ब्रांड है तो उसके जो खाना है ना वो बड़ा अच्छा है, उनका भी कोई कंटकी मतलब कि वो फ्राइड चिक्स और वगैरह सारा कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो खाया तो बड़ा मज़ा आया। उनकी भी वो फ्राइड अच्छी थी और उनका भी जो पीसीस थे जो रोस्ट किए हुए थे वो भी अच्छे थे, तो मज़ा आया खाने का, वो काफ़ी अच्छा था, पूरा भरा हुआ था, बर्गर भी था बीच में, फ्राइज़ भी थी। मेरा रोज़ा आज डिफरेंट तरीके से खुला कि वो भाई ने बड़ा अच्छा उन्होंने किया अरेंज, बाकी वो समोसे और पकोड़े वो तो साथ साथ ही हैं, वो तो जान ही नहीं छोड़ रहे। तो मैं अब वैसे अब कुछ थोड़ा कम खाना शुरू हो गया हूँ क्योंकि मैं खा कर मैं कह रहा भाई पकौड़ों और समोसों मेरी जान छोड़ दो, मेरे सामने ना आओ, बस अब जो बाकी रोज़े रह गए हैं वो बगैर समोसों बगैर पकौड़ों के मैं खोलना चाह रहा हूँ कि मैं खजूर खाऊं, दूध पीऊं या पानी पीऊं या अच्छा सा बाद में खाना खाऊं, ना थोड़ा सा बंदा हट के ज़रा हो जाता है। और वो खा के समोसे पकौड़े आप ठूंसना होता है ना समोसे पकौड़े, तो खा के तो आपको पता बाद में कुछ खाया भी नहीं जाता, तो जीप सीप कैफियत हो जाती है। तो वो कभी कभार अच्छे लगते हैं समोसे पकौड़े क्योंकि ये रमज़ान के साथ हम जुड़ गए हैं, हम भी एक पाकिस्तानी, अब हमारे जो कल्चर में है कि हम समोसे पकौड़े के बगैर गुजारा नहीं होता। मैं जब पाकिस्तान में था तो वहाँ पे देखते कि जब समोसे और पकौड़ों के जो वहाँ पे स्टॉल लगे होते थे ना उनके ऊपर रश लगा होता, लाइनें बनी होती थी और लोग समोसे और पकौड़े लेके जा रहे हैं, वो भाई ये तो फिर अपना एक स्टाइल है ना हमारी, एक वहाँ पे कल्चर है। अब यहाँ पे भी उसी को डाबे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समोसे छोटे हैं, पकौड़े तो बड़े ही हैं लेकिन समोसे छोटे से हैं अलग से स्टाइल उनका। तो आज मैंने डिफरेंट टाइप से इफ्तारी की, मज़ा आया, अच्छा लगा। चले अब अपना ख्याल रखें, बाकी रोज़ों की जो बरकतें हैं ना वो समेट रहे हैं ना सारे आप लोग, हमने क्या करना है हम मिलकर रोज़ों की जो बरकतें कैसे समेटनी है वो ऐसे समेटनी है कि रोज़े रखें, अच्छे रहें, अच्छे बने। और वही जो तरीकाकार जो पुराना मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने बांटने का सिलसिला शुरू करें जिनके पास कपड़े वगैरह जूते, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं अपने मेरे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं उनको मैंने ये मैसेज सारे भेज दिए हुए हैं, वो उनको चेक कर रहे हैं, चेक करके उन तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप सब लोग की भी जो चीज़ें अपने साहिब अस्पताल लोग हैं जो आप जिनका हाथ अल्लाह ताला ने खुला रखा हुआ वो बांटें, क्योंकि ये टाइम है जिनको कपड़े लेके दें वो कपड़े लेके दें, जिनको अनसिले कपड़े लेके दें उनको अभी लेके दे दें, क्योंकि दर्जी ने टाइम लगा देना, दर्जी यहाँ पे मिलते नहीं हैं, वहाँ पे भी दर्जियों का बड़ा इशू है, दर्जी जब वो कपड़े पकड़ लेते हैं फिर टाइम से देते नहीं हैं, किसी को चांद रात को मिलना होता है तो फिर उसको ईद के दूसरे दिन मिलता है तो क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी इस कार्य ख्याल में जुड़े रहें और आगे बढ़ाएं इस सिस्टम को ताकि रमज़ान का जो महीना है ना ये अच्छा अच्छा गुजरे। तो अफ्तारियाँ तो आपकी भी चल रही होंगी, मेरी ज़रा यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट टाइप की चल रही है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।